स्वामी महाराज के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण स्वामी महाराज के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे श्री नवद्वीप धाम में बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी मधुर मधुर लीला कर रहे थे, क्योंकि भगवो अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे एक तैतिक विप्र करते 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 श्री नवद्वीप धाम में आए। ये महाप्रभु कृष्ण के ये जन्म जन्मांतर के ये भगवान का नित्य भक्त परिकर है।
इसलिए महाप्रभु की इच्छा है इसको भी मैं एक बार दर्शन दूं। इसलिए भगवत इच्छा से जब तैथिक विप्र श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर में आए, जगन्नाथ मिश्र उनको निमंत्रण दिया, बोले आप घर में आप प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन महाप्रभु श्री तैथिक विप्र बोले देखो मैं सुपाकी हूँ। सुपाकी मतलब होता है मैं किसी के हाथ का बनाया हुआ चीज हम नहीं खाता हूँ, स्वयं बना भोजन करता हूँ। इसलिए आप मेरे को सारे सामान दे दो और चूल्हे को लिपा हाथों से ही बनाऊंगा। अपना हाथों से बड़े सुंदर उन्होंने अन्न दाल सब्जी बड़े सुंदर भाजी बढ़िया बढ़िया उन्होंने प्रसाद बनाए। बना करके जब उन्होंने अपना जो गोपाल जिसको लेकर के साथ में चलते थे, जब तक उनको भोग नहीं लगाते थे तब तक ग्रहण नहीं करते थे। शिक्षा देते हैं हम कुछ भी खाए सबसे पहले भगवान को भोग लगानी चाहिए। अगर भगवान को कोई चीज भोग नहीं लगता है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पचन्ति ते आत्म कारणम, इसलिए भुंजन्ते तु अघम बनाते हैं, कहते वो भुंजन्ते तु, लेकिन यज्ञ शिष्टा सिन संत मुच्यन्ते सर्वक्लेश, लेकिन जो जितने मेरे भक्त सबके सब पाप से मुक्त है। बोले क्यों? बोले मेरे को भोग लगाए बगैर कोई चीज ग्रहण ही नहीं करते। इसलिए और मनु संहिता क्या कहता है, स्वान विष्टा समच अर्ण निरंच सूर्यासम, जो चीज भगवान को भोग नहीं लगता है, बोले स्वान विष्टा समच अर्ण, वो रोटी अर्ण सब्जी वो कुत्ते की विष्टा के बराबर, और जो पानी है, जो पानी कहते निरय मदिरा सदृश बा मूत्र सदृश है, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। इसलिए ब्राह्मण अपना स्वयं जी के जब उन्होंने भोग, लेकिन महाप्रभु की क्या इच्छा है, आज मैं इनको दर्शन दूंगा। इतने में महाप्रभु जिस समय भोग लगा रहे थे, आग बंद करके षडाक्षर मंत्र को जप कर रहे थे। इसलिए एक नियम है ठाकुर जी का, जो हम भोग लगाते हैं कैसे भोग लगानी चाहिए, इसका भी शास्त्र में कुछ विधि विधान बताया। जैसे कोई एक व्यक्ति आए, हम क्या करते हैं, पहले उनको चरण धोते हैं, उनको हाथ धुलाते हैं, उनको आसन देते हैं, फिर उनको हम भोजन कराते हैं। इसलिए नियम है ठाकुर जी का जो हम भोग लगाए बगैर लगानी नहीं चाहिए। ठाकुर के सामने एक आसन रख करके से पानी लेकर के ठाकुर जी को, जैसे कोई आए उनका चरण में हम फूल देते हैं, उसी तरह आसन के ऊपर भगवान की चरण में हम फूल देख रहे हैं, इसी भाव से एक फूल दो। जैसे एक व्यक्ति का हाथ धोते हैं, इसलिए ठाकुर जी को हाथ धुलाओ, ठाकुर जी को फिर भोग लगाओ। लेकिन भोग लगा करके फिर क्या करनी चाहिए, गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान को हाथ को नीचे और उल्टा हाथ को ऊपर करके जो गोपाल मंत्र को 10 बार भोग पढ़नी चाहिए। उसको बाद में फिर बाहर आकर के जो काम गायत्री मंत्र को जप करनी चाहिए। अभी ब्राह्मण जो आंख बंद करके ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे गोपाल मंत्र से, इतने में श्री निमाई महाप्रभु आ गए घुटन पर चलते चलते, और उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। जो भोजन करना शुरू कर दिया, इतने में ब्राह्मण आंख खोल करके देखते हैं निमाई भोजन कर रहा है दोनों हाथ से। ब्राह्मण ने चित्कार करने लग गया, बालक ने आकर के मेरे सारे प्रसाद को झूठा कर दिया, नष्ट कर दिया, आज मेरे ठाकुर जी भूखे रह गए। इतने में जगन्नाथ मिश्र सुनते ही, सची मैया सुनते ही दौड़ दौड़ करके आए, देखा निवाई ने उनको सारे प्रसाद को भोजन को झूठा कर दिया।
जगन्नाथ मिश्र को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट बालक, पहले बाहर में नटखट करता था और ये ब्राह्मण आया, तुमने इनकी खाना तुमने नष्ट कर दिया। लठिया लेकर के, डंडे लेकर के मारने के लिए दौड़े। इतने में सब लोग उनको रोके, बोले देखो उनको शासन अच्छा बुरा ज्ञान हो, ये तो अभी छोटा बच्चा है, इसको कुछ पता ही नहीं, बुरा अच्छा क्या होता है इसको अभी पता भी नहीं। बच्चों के ऊपर में क्रोध नहीं करते। इतने में जगन्नाथ मिश्र तो बड़े दुखी हो गए। जब दुखी हो गए, इतने में ब्राह्मण जी को प्रार्थना किया, अगर आप हमें अपना दास मानते हो, आप और एक बार ठाकुर जी के लिए भोजन बनाओ। तो उनको प्रार्थना से फिर उन्होंने दो बार भी भोजन बनाया, बना करके बोले निमाई को दूर में रखो। जब दो बार भोजन लगा करके फिर गोपाल जी को भोग लगा, वो कहां पर थे, उन्होंने दो बार भी आ गए, आ करके दो बार भी भोजन करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आंख खुले देखा, वही बालक फिर आ करके भोजन कर रहा है। इतने में फिर उन्होंने चिल्ला उठे, हाय दो बार भी इतने कष्ट करके बनाया, ये दो बार भी हमारे गोपाल जी का प्रसाद को नष्ट कर दिया, आज ठाकुर जी भूखे रह गए। इतने में जगन्नाथ मिश्र सुनते ही इतना क्रोध आया, बोले दुष्ट बालक, हमारे घर में ब्राह्मण आए, पहला बार तुमने नष्ट कर दिया, दो बार इतना कष्ट करके बनाए, दो मारने के लिए दौड़ी। और महाप्रभु तो भाग गए वहां से। फिर माताओं ने, लोगों ने इतने में फिर श्री ब्राह्मण वो भी दुखी हो गए, लेकिन दुखी होकर के बोले देखो अगर ठाकुर का इच्छा नहीं हो, नहीं रहने पर बोले कोटि भ्रख द्रव्य जति थाके निज घरे खाई बार नारे, घर में करोड़ द्रव्य घर में है, लेकिन अगर ठाकुर को इच्छा नहीं होना आप भोजन नहीं कर सकते। बोले क्यों, बोले ठाकुर को इसमें इच्छा नहीं, इसलिए वहां पर समझाए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, आज आपका भाग्य में खाना है नहीं, भोजन नहीं भाग्य में, लेकिन ऑलरेडी आपको आप भोजन करने जा रहे हो, लेकिन आज हमारे भाग्य में भोजन नहीं। आप देखना ठीक उसी समय में ऐसे एक व्यक्ति ऐसे बुरा भला कुछ बात बोल देता है, उसी समय वो व्यक्ति थाला छोड़ करके, खाना छोड़ करके भाग जाता है। और वो क्या कहता है, अमुक व्यक्ति ने, मैं भोजन करने जा रहा था और अमुक व्यक्ति ने हमें भोजन करने नहीं दिया, वो दूसरे के ऊपर दोष लगाता है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर नहीं, दोष उसका नहीं, वो जद्य भी क्या दिखता है, उसने आकर के भला बड़ा भुला बोल दिया, लेकिन दोष उसका नहीं, बोले दोष किस पर, तुम्हारा है, क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य में भोजन था ही नहीं और ऑलरेडी वो थाला आ ही गया था, लेकिन तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं खाना, भोजन करोगे कैसे, भोजन करोगे कैसे। अनुकंपा सुसुमिक समान भुंजाम के बाद मकृतम विपाकम, इसलिए कहते प्रभुपाद ये श्लोक हरि कथा में प्रभुपाद ये श्लोक को नोट करके ना प्रभुपाद भेजते थे, इसलिए ये श्लोक हम लोगों को भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि भक्ति जगत में कभी कभी बड़ी बड़ी रह जाती है। कहते सत्यम सत्ने न विघ्ना नानि, सच बोलो उसमें सो, सत्य सत्न न विघ्ना नानि सहस्र न तथा तपो, कहते अगर हजार विपत्ति, कहते अगर कोई कोविड करने हर पद पद पर, हर पल पल पर जीवन बड़ी विपत्ति, बोले खुरस धारा निशित दुरतया दुर्गम, भगवान की संतान, भगवान कौन है, रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, भक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है,
इसलिए ब्रह्मा जी कहते भैया वो जो रस को आनंद को कौन आस्वादन कर सकता है, भगवत प्रेम संपत्ति को कौन प्राप्त कर सकता है, बोले जो जीवती। बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो वो संपत्ति को प्राप्त करेगा, मर जाएगा तो गया उसकी। इसका मतलब है भक्ति जगत में कहते भैया जितने भाग्य में हो ना, फिर तो नहीं चाहने पर भी वो चीज जोर जबरदस्ती आएगी। इसलिए प्रहलाद महाराज ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाए, बच्चों कह रहे हैं, बोले बच्चों ये बताओ जीवन में कोई दुख को बुलाता है घर में? जीवन में कोई भी दुख को क्या निमंत्रण देते हैं? कोई नहीं देते। लेकिन ये बिना बुलाए दुख आता है कि नहीं? बिना निमंत्रण के दुख अपने आप आ जाता है। कहते उसी तरह अगर हमारे भाग्य में सुख है ना, ये ललाट में सुख कहीं नहीं जाएगा, वो बिना बुलाए अपने आप आएगा। इसलिए हे बच्चों, केवल दुख हटाओ और सुख लाओ इसके लिए चेष्टा मत करो। हम क्या करते हैं, दुख हटाओ और सुख लाओ, दुख हटाओ सुख लाओ। प्रहलाद कहते उसके लिए चेष्टा करने का जरूरत नहीं, वो कह रहे हैं भगवान की भजन करो, उसमें समय को बर्बाद मत करो, भगवान की भक्ति करो, उनका नाम भजन करो। जितना परिमाण में, जैसे सूर्य जितना परिमाण में उदय होगा क्या होगा, अपने आप अंधकार अपने आप हटी जाएगा। उसी तरह अगर हृदय में भगवत भक्ति रूपी सूर्य अगर उदय होगा, मतलब अगर जितने भक्ति करेंगे ना, ये दुख को हटाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ये दुख क्या होगा, अपने आप ये दुख अपने आप हट जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण ने कहा देखो जब तक तुम्हारी भाग्य में नहीं लिखा हुआ हो ना, नहीं मिलेगा। देखो जब उन्होंने तीसरा बार उन्होंने बताए, बोले मैंने दो बार कोशिश कर दिया कि नहीं, बोले हाँ, लेकिन बोले मैं भोजन कर पाए, बना भी दिया, ऑलरेडी ठाकुर को भोग लगा करके खाने के लिए जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, निमाई ने दो बार आकर के नष्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आज मेरे भाग्य में लिखा हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने निमाई पर दोष नहीं दिया, दोष किसको पर दिया, अपना पर उन्होंने दोष दिया। इसका मतलब आज मेरे भाग्य में नहीं, इसलिए तीसरा बार उनको बोलने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। क्यों, एक व्यक्ति रसोई सूर्यकांत पर रसोई बनाते, उनको पता है 3-4 घंटा लग जाते हैं रसोई बनाने के लिए। एक बार रसोई बना दिया, फिर अगर 2 बार रसोई बनाया नहीं हुआ, तीसरा बार बनाएंगे, बोले भैया हमने 4-4 घंटा लगा दिया तभी, इसका मतलब भाग्य में नहीं। अभी इनका हिम्मत नहीं हो रहा है, उनको बोले आप तीसरा बार रसोई बना, लेकिन पूरा परिवार दुखी होकर के, क्यों, घर में कोई अतिथि आया, कोई साधु आया, लेकिन हमारे घर में भोजन नहीं कर पाए, दो बार कोशिश कर लिया, भोजन नहीं कर पाए, हमारा बच्चा, घर का बच्चा नष्ट कर दिया, बताओ परिवार का क्या दशा होगा, बड़े दुखी होकर के बैठे हुए। ठीक इतने में उनके जो बड़े भैया श्री विश्वरूप वो गए हुए थे पढ़ने के लिए, इतने में उन्होंने विद्यालय से आए, जब आए ना उनका नाम ही बलदेव प्रभु है, बलदेव है, बल का अधिशक्ति देवता है, इतने निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत जुड़ाए, उनका चरण में कोटि चंद्र सुशीतल जिनका चरण है, और उनका नाम बलदेव, बड़े तेजोसी, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर श्री बलदेव प्रभु। जब श्री विश्वरूप आए, ब्राह्मण देख देख करके क्यों भक्तों का हृदय स्वाभाविक रूप में है, जैसे चुंबक जैसे लोहे को खींचता है, उसी तरह भगवान भी भक्तों का मन को अपने आप खींचते हैं। विश्वरूप का तेज को देख करके, इतने सुंदर बालों को देख करके, ब्राह्मण का मन तो अपने आप उसको प्रति एकदम आकृष्ट हो गया, मन में आनंद आ गया। इतने में उन्होंने पूछा ये बालक किसके बालक है, बोले श्री जगन्नाथ मिश्र के ये बड़े बेटे हैं। बोले इतने सुंदर बालक है, जिसके घर में इतने सुंदर बालक हो वो कितने भाग्यवान नहीं होगा। लेकिन विश्वरूप घर में आकर क्या देखा, सब मुंह सभी को लटका हुआ है, सबके सब दुखी होकर के सबके सब बैठे हुए, कोई बात नहीं कर रहे। इतने में उन्होंने पूछा पिताजी क्या बात है, तो पिताजी सारे बात बताए, कैसे ब्राह्मण आए, दो बार प्रसाद बना चुके हैं, ठाकुर को भोग लगाने के लिए जाएंगे, इतने में निमाई ने दो बार नष्ट कर दिया, इसलिए अभी तीसरे बार हम कैसे बोले ब्राह्मण को, जो दो बार कितना कष्ट किया, इसलिए आज घर में अतिथि आकर भोजन नहीं करे तो हम कैसे भोजन करेंगे, पूरा परिवार दुखी। इतने में विश्वरूप ने फिर जाकर के ब्राह्मण को प्रार्थना किया,
अगर आप हम लोगों को अपना दास मानते हो, आप और एक बार कष्ट करो, हम लोग सारे सब्जी का मुनिया कर देंगे और धो धा करके आपका हाथों में दे देंगे, आप केवल बैठो और ये रसोई बनाओ। लेकिन वो नित्यानंद प्रभु इतने मीठे, इतने मीठे, इतने सुंदर, जिनके रूप देख करके तो मुग्ध हो गए थे, लेकिन उनको बोलने पर उनने तीसरे बार, कष्ट होने पर भी उनने तीसरे बार उन्होंने बनाया। बना करके बोले, देखो ये काम करो, ये निमाई को ना जाओ दूसरे घर में लेकर के ताला बंद कर रख दो, है ये दो दो बार उसने नष्ट कर दिया, इसको ताला बंद कर रख लो। अभी ताला बंद करके नित्या श्री है निमाई को दूसरे घर में ताला बंद कर दिए, और इतने में हो गया तीन तीन बार रसोई बनाए, हो गया रात। जब रात हो गया, इतने में ब्राह्मण अपना गोपाल जी को, जब उन्होंने तीसरा बार उन्होंने भोग लगाने गई और उन्होंने गोपाल मंत्र पढ़ाना, फिर निमाई आ गया, घर बंद है, श्रृंखला बंद है। लेकिन इतने में फिर निमाई आ गई, आ करके उन्होंने फिर भोजन करना शुरू कर दिया। इतने में जो आंख खोला देखा, फिर वही बालक, फिर उन्होंने चिल्ला उठे, फिर आ गया। इतने में महाप्रभु ने उसको मुंह में हाथ देकर बंद कर दिए। बोले, ब्राह्मण जी अब चिल्ला क्यों रहे हो, आप तो मेरे को बारंबार बुलाते हो, और मैंने गीता में क्या बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रजसति तद अहम भक्त उपरहित स्नामी प्रजतात्मना। इसलिए भक्तर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए और अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे। आप मेरे को बारंबार मेरे मंत्र से मेरे को आह्वान करते हो, और जो मैं खाता हूँ पर चिल्ला उठ रहे हो क्यों। इतने बोले, आप कौन हो। फिर महाप्रभु ने अष्टभुज में उनको दर्शन दिया है, अष्टभुज में दर्शन दिया। अष्टभुज कौन कौन सा अष्टभुज था, बोले शंख चक्र गदा पद्म, ये हो गया चार, और एक हाथ में मक्खन, दूसरे हाथ में मक्खन खा रहे हैं, और दो और दोनों हाथ में बंसुरी बजा रहे हैं। इसलिए उनको उन्होंने अष्टभुज रूप में उनको दर्शन दिया है। जब दर्शन दिया, दर्शन दे करके फिर उनको हैं, फिर उनको दिव्य वृंदावन उन्होंने दर्शन कराया। बोले, सही खणे देखे विप्र परम अद्भुत शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप अपूर्व कदम वृक्ष देखे सही खणे वृंदावन देखे नाद करे पखी गणे गोप गोपी गाभी गण चतुर्दिगे देखे जहा ध्यान करे तहा देखे परत के ब्रह्मा दिजे प्रेम भक्ति जोग वांछा करे तहा बिलाय भू सर्प प्रति घरे घरे संकीर्तन आरंभे आमार अवतार करा इवो सर्वदेशे कीर्तन प्रचार। महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उनको गोलोक वृंदावन उन्हें दर्शन दिए। क्या देखा उन गोलोक वृंदावन में, कैसे सुंदर कदम वृक्ष है, कैसे कदम वृक्ष में नीचे कृष्ण कैसे भी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसुरी कैसे बजा रहे हैं, और कैसे कोयली कैसे कूकू रहे हैं, मयूर कैसे के गा कर रहे थे, और चारी तरफ में कृष्ण कैसे सखाओं को साथ में गैया चराते हैं, और गोप गोपियों को द्वारा कैसे वृंदावन कैसे मंडित है। इसलिए कृष्ण ने महाप्रभु ने कहा, देखो मैं प्रेम भक्ति कहते जो प्रेम को ब्रह्मा दीजिए प्रेम भक्ति जोगे वाचा करे, मतलब ब्रह्मा जो प्रेम भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं लालायित है तहा प्रति घरे घरे मैं उसी प्रेम को घर घर में मैंने वो प्रेम को मैं कलयुग में सबको दूंगा। इसलिए कलयुग में ये संकीर्तन धर्म प्रचार करने के लिए मैंने यहाँ आया हूँ। इसलिए एक दिन ऐसा होगा पूरा गांव गांव में गली गली में सबके सब मिल करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सारा दुनिया हरि कीर्तन करेंगे। महाप्रभु सब कुछ उन्होंने दर्शन कराया। बोले, देखो तो मेरे इसी जीवन का भक्त नहीं,
पहले जन्म में मैं जब मैं गोकुल में मैया जसोदा का लाला श्री नंदनंदन रूप में आया था, एक दिन तुम भी वहां पर भी आया था, वहां पर भी तुमने मैं हमारे घर में आए, पिताजी तुम्हें भी निमंत्रण दिया था, और वहां पर भी तुम जब मेरे को बुलाया मैं भी तुम्हारी अन्न भोजन किया और तुम्हें दर्शन दिया था। अभी मैं वही कृष्ण कलयुग में निमाय रूप में आया हूँ। देखो मैंने तुमको ये जो रूप दर्शन दिलाया ये बात तुम और किसको बोलना नहीं, अगर बोलोगे ना सुदर्शन चक्र से गला काट दूंगा। इसलिए महाप्रभु ने बहुत लोगों को सब दर्शन दिलाया, लेकिन क्यों ये प्रछन्न बता रहे ना, है ये छन्न बता रहे, इसलिए उन्होंने दर्शन जिन जिनियों को दर्शन कराया उनको बोला खबरदार ये बात किसको बोलना नहीं, उन्होंने सब भक्तों को बोल दिया। लेकिन जब उन्होंने दिव्य वृंदावन दर्शन किया, दर्शन करते हुए इतने उन्माद, इतने प्रेम में पागल हो गया, हैं? इतने प्रेम में पागल हो गया, जो अन्न व्यंजन था ना उसको सारा शरीर में लगाने लग गया, सारा शरीर में पतने लग गया, और हरि बोल करते हुए निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल, एकदम प्रेम में उन्माद हो गया। अभी महाप्रभु भोजन करके दर्शन दे करके फिर चले गए महाप्रभु, बस चुपचाप जाकर घर में सो गए। हैं इतने में ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा आए, आ करके जब आए उनको देख करके उन्होंने अपना प्रेम को समर्पण कर दिया, और जो उन्होंने दर्शन दिया उनको दिव्य वृंदावन अष्टभुज रूप में, ब्राह्मण तो देख कर गदगद हो रहा था, अलिए कितने सौभाग्य हुआ मेरे प्रभु इनके घर में जन्म हुए, लेकिन इनको पता है नहीं मेरे यहाँ पर जन्म हुए। कभी कभी इनके मन में इच्छा होता था मैं ये बात बोलता, क्योंकि इनको दर्शन करके सब जीव का उद्धार हो जाए, लेकिन फिर याद आता है नहीं प्रभु ने मना किया, किसको बोलना नहीं, प्रभु का आदेश को याद करते हुए किसको बोलते नहीं थे। फिर ब्राह्मण फिर उसको बाद में स्थिर होकर के भोजन किए, और भोजन करके फिर ब्राह्मण नवद्वीप छोड़कर गए ही नहीं, पर जब मेरे प्रभु यहीं पर जन्म हुए हैं मैं कहाँ जाऊं, हैं दिन में एक बार आकर के निमाय को रोज निमाय को दर्शन करके जाते, और स्वस्थ थे मेरे जीवन धन्य है, मेरे प्रभु श्री गौर हरि रूप में मेरे प्रभु जन्म ग्रहण किए हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे bola krishna krishna hare hare bola krishna bola ram ram hare hare ram ram hare bola hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama ram ram hare hare bola hare hare krishna krishna krishna
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल वृंदावन में हरे बाबुज में बलदान गली में बलमान गली में बलकुंज गली में बल बरसाने में बल साकी गोर में बल चिकौली में बल गोवर बल राधा कुंड में बल श्याम कुंड में बल राधे 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 गोविंद गोविंद प्रेम से बोला कपिल बोला गोश बोला आवाज लाए अरे मोहन बोला अरे मोहन बोला जोर से बोला स्वामी महाराज की जय। लीला प्रविष्ण विष्णु वेदांश
नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रभुशील भक्त वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रभुशील भक्त वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान शील केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सब परिकर गौर हरि की जय। जय श्री एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि पालन करी भक्त वृंद की। भक्ति वेदांत बोधायन महाराज की जय। भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज की जय। भक्ति वेदांत सूर्यकांत महाराज की जय। बाबा जी महाराज की जय। आनंद घटी गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सूर्यकांत एक संगे तो सन्यासी देगी हम जे कृष्ण कृपा बोलते ना